प्यारे पौधे धान पान मत बारे पौधे इनके ऊपर आकर चिड़की रंग रूप की माया इनके ऊपर आकर चिड़की रंग रूप की माया अपने आप सभी कुछ करके अपना आप सिपाया अपना आप सिपाया कितने अंधेरे में सोते थे ये बिल्कुल बेसुध होते थे ये अंधेरे में सोते थे ये बिल्कुल बेसुध होते थे ये नींदपुरी के मधुमातों को नीचे आन जगाया नींदपुरी के मधुमातों को नीचे आन जगाया अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया अपना आप छिपाया किसने हरा भरा गुलजार खिला है सरसों का संसार खिला है देख देख मन में सुख होवत अखियन नूर समाया देख देख मन में सुख होवत अखियन नूर समाया अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया अपना आप छिपाया कितने कितने बात चल रही थी पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए बड़ी मेहनत है ये भी जानते हैं कि हम अपवित्र हैं और पतित हैं बाप आए हैं हमको पावन बनाने बाप किसलिए आए हैं पावन बनाने आए हैं तो जो मकसद है वो पूरा किए बगैर चले जाएंगे क्या आए हैं मकसद भी बताते हैं कि पावन बनाने के लिए आए हैं तो ऐसे तो नहीं कि 69 में शरीर छोड़ करके ज्ञान सुना करके चले जावेंगे ज्ञान सुनाने का मकसद नहीं बताया मकसद क्या बताया पावन बनाने का कहते भी हैं सिर्फ मुझे याद करो जब मनुष्य मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो तो हद की बात हो गई लेकिन बेहद की बात इसमें क्या निकलती है इस दुनिया के अंतकाल में जब सारे मनुष्य जीते जी मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो अंत में राम को पहचानेंगे और राम को याद करेंगे लेकिन दुनिया वाले तो राम को जानते नहीं है क्यों कहते हैं अंत समय राम को याद करो क्योंकि इस दुनिया का जब अंत होता है तो सारी दुनिया में उस राम बाप की प्रत्यक्षता हो जाती है और सारे ही मिल करके एक बाप को याद करते हैं बल किसका भी नाम देते हैं फलाने को याद करो परंतु उनको कोई फायदा नहीं है कुछ भी पहचान नहीं है अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो सन्मुख बैठे हो तो तुम्हें पूरी पहचान है 27 जुलाई 1965 की वाणी का दूसरा दिन तुम आते ही हो शिव बाबा के पास
तो निराकार है और क्रिएटर है। क्रिएटर और क्रिएशन ये संबंध साकार में होता है या निराकार में होता है? क्रिएटर जरूर कुछ क्रिएट करता है और क्रिएशन कहा ही जाता है रचना को, जो रखी जाती है वो रचना कही जाती है। तो अगर निराकार का ये अर्थ लगा दिया जाए तो वो ज्योति बिंदु है, तो ज्योति बिंदु आत्माएं आत्माएं सारी अनादि और अविनाशी है, आत्माएं कभी रहती नहीं जाती। और जो ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है वो भी रचा नहीं जाता, वो भी अनादि है। तो जब दोनों ही अनादि हैं तो रचने का सवाल ही नहीं और रचना रचयिता का भी सवाल नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वो निराकारी ज्योति बिंदु कोई साकार में आकर के निराकारी स्टेज धारण करता है और क्रिएशन करता है, नहीं तो क्रिएशन कैसे करेंगे? प्रजापिता को भी क्रिएटर कहते हैं, क्यों? भी शब्द यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि वो निराकार ही प्रजापिता में आकर के क्रिएटर बनता है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य शक्ति पैदा होती है, द्वारा माने मीडिया, ब्रह्मा मीडिया बनता है मनुष्य शक्ति पैदा करने की, लेकिन पैदा करने वाला कौन, ब्रह्मा या प्रजापिता? प्रजापिता को क्रिएटर कहेंगे, बाप ही क्रिएटर होता है, इसलिए प्रजापिता अर्थात मनुष्य का पिता कहा जाता है। तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है। ब्रह्मा द्वारा हम जानते हैं, ब्रह्मा द्वारा बाप के बने हैं, शिव बाबा के पोत्रे और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये भी जानते हो जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश हो। तुम चाहते हो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं और विजयमाला में नजदीक पिरोए जाएं। पाप कर्म भस्म हो और रुद्रमाला में नजदीक न पिरोए जाए। नजदीक कहाँ पिरोए जाए? विजयमाला। क्यों? रुद्रमाला तो बाप की माला है, डायरेक्ट शिव बाप की माला है, फिर विजयमाला में पिरोए जाने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि विजय माला है प्रवृत्ति मार्ग की पक्की माला, फाइनल माला, जहाँ से नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो याद करना पड़े। फिर ये भी जानते हो कर्म योगी है, कर्म तो करना ही है, कर्म धारा वगैरह कोई रह न सके, घर बार भी संभालना है, उनको संभालते हुए पवित्र रहना है कमल फूल के समान। ये मिसाल कोई कमल फूल का सन्यासियों से नहीं लगता है, क्योंकि कमल का फूल बहुत बाल बच्चड़े वाला होता है, बड़े परिवार वाला होता है, सन्यासी तो अकेले होते हैं, वो किसी को कह भी नहीं सकते कि गर्गस्थ में रह करके पवित्र बनो। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो खुद भी घर गृहस्थ में रह करके पवित्र नहीं बन पाते, उनको चेप लगता है, तो दूसरों से कैसे कहेंगे?
तो जो जैसा होता है वो वैसा ही बनाता है। सन्यासी होगा तो सन्यासी बनाएगा, गृहस्थी होगा तो गृहस्थी बनाएगा, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहने की प्रवृत्ति वाला होगा तो दूसरों को भी पवित्र प्रवृत्ति वाला बनाएगा। सन्यासी तो कह नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो। अगर कहें ब्रह्म को याद करो तो वो भी हो न सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़ेंगे? तुम ही घर गृहस्थ में नहीं रह सकते हो तो दूसरों को कैसे कह सकते हो? तो वो सन्यासी राजयोग की शिक्षा दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस राजयोग में ऐसा राज भरा हुआ है कि जो गृहस्थी है वही गृहस्थियों को राजयोग सिखा सकता है। किसकी तरफ इशारा किया है? उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरफ इशारा किया जो घर गृहस्थ छोड़ करके सन्यासी बनकर रहे पड़े हैं। उनको पता ही नहीं कि साथ में रह करके कैसे विकारों पर विजय पाई जाती है। तो अभी बाप कहते हैं कि सन्यासी राज्यों की शिक्षा नहीं दे सकते। अभी तुम सन्यासियों अथवा सभी धर्मों के राज को समझ गए हो? हर एक धर्म को अपने अपने समय पर आना है। देवी देवता धर्म भी अपने समय पर आने वाला है। कलयुग से फिर सतयुग होना, सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई धर्म वाले हो वो कोई भी मनुष्य को देवता बना ही नहीं सकते। उन सब धर्म वालों को मुक्ति धाम में जाना ही है। स्वर्ग और नरक इकट्ठा तो रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पावेंगे तो जीवन बंध वाले रहने ही नहीं चाहिए। माना सनातन धर्म के अलावा और जो भी धर्म वाले हैं वो सब जीवन बंध में लाने वाले। बंधन दुख को कहा जाता है, दुख का बंधन बांधने वाले हैं, क्योंकि वो सब धर्मों की स्थापना मनुष्य गुरुओं के द्वारा होती है। तुम जानते हो इस समय संगम है और तुम कल्प के संगम पर हो। तुम ही बाप से मिलते हो और दूसरा कोई बाप के साथ मिल न सके। क्यों? जो जैसे संस्कारों वाला होगा वो वैसे ही संस्कारों वाले के साथ मेल खाएगा। तुम 84 जन्म लेने वाले हो तो 84 जन्म लेने वाले बाप के साथ तुम्हारा मेल होता है। तुम निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा के स्वरूप में टिकने वाले हो तो तुम ही निराकारी स्टेज में टिक सकते हो बाप के साथ। और सबको तो देवान आएगा। बाप से स्वर्ग के लिए फिर से तुम अपना वर्षा पाए रहे हो। हम जीते जी मर करके बाप के बनते हैं। वो तो कहते हैं मर गए तो स्वर्ग पधारे, मर जाने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं। तुमको बाप सिखाते हैं कि तुमको मर करके शरीर से मर करके स्वर्ग में नहीं जाना है। कैसे जाना है? इसी जीवन में रहते हुए देवान से मर करके ऐसी स्टेज ज्ञान की पराकाष्ठा बनानी है कि यहाँ इस जीवन में रहते हुए ही स्वर्ग का अनुभव करने लगे। इसमें अपने मन को मोल्ड करना पड़ता है। ज्ञान के आधार पर मन को सेट करना पड़ता है। तो तुम जीते जी मर करके बाप की बनते हो।
जो बाप के प्रति एडाप्ट होते हैं उनको दोनों जहानों का मालूम पड़ जाता है। पुरानी दुनिया क्या है और जो नई आने वाली दुनिया क्या है, दोनों का पता पड़ जाता है। पता पड़ता है कि हम फलाने के थे और अब हम फलाने के बने। अपने मित्र संबंधियों आदि सबको जानते हैं, दोनों तरफ का मालूम पड़ता है। लौकिक संबंधों का भी पता पड़ता है और अलौकिक संबंधियों का भी पता पड़ता है। पहले फलाने गांवड़े में था, राजा नहीं था। तुम बच्चे भी जानते हो ये पतित दुनिया है, इनसे हमने लंगर उठाई लिया। लंगर क्या होता है? जो नाव होती है या जो जहाज होता है उसका जो भारी हिस्सा है, जब नाव को ठहराया जाता है तो नीचे डाल दिया जाता है, तो नाव वहीं ठहर जाती है। तो ये हमारा बुद्धि का लंगर है, ये शरीर रूपी नवैया है। ये शरीर रूपी नवैया को थामने के लिए हमारा बुद्ध रूपी लंगर एक जगह सेट हो जाता है। अभी तो इस दुनिया से हमने अपना लंगर उठाई लिया है, अभी हम जा रहे हैं पावन दुनिया में, तो शांति धाम सुख धाम को याद कर रहे हैं। तुम जानती हो दुनिया को छोड़ना है, इस दुनिया से हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं। पाप आत्माओं से बात करते हैं, देह अभिमानियों से बात भी नहीं करते। आत्माओं से कैसे बात होगी? क्योंकि बाप है आत्मिक स्थिति वाला, उसको सदाशिव कहा जाता है, तो उसका मेल भी जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं उन बच्चों के साथ बनता है। देह अभिमानियों के साथ बाप का कोई मेल नहीं बैठता। तो भगवान अपने बच्चों यानी परमपिता परमात्मा सालिग्राम बच्चों से बात करते हैं। सालिग्राम नाम क्यों दिया? साली कहते हैं जो धान्य होता है उसका छिलका उतार दिया जाता है, तो चावल को कहते हैं साली। जब टीका लगाते हैं, मस्तक में टीका लगाते हैं, तो धान्य को नहीं चिपकाते, जो धान का छिलका उतरा हुआ है उसको मस्तक में लगाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण है कि आत्मा अपने स्वरूप में टिकती है तो देह भानु को भूल जाती है। मस्तक में भ्रकुटी में जो आत्मा टिकी हुई है, जिस स्टार की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, वो आत्मा जब देह भान से रहित तो हो जाती है, ये देह भान का छिलका है, इस छिलके के कारण ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांच विकार पैदा होते हैं। अगर सभी मनुष्य ये समझ जाएं, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, हम तो आत्मा है, तो आत्मिक स्थिति में रहने वाला कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में आ जाएंगे। तो बोला बाप इसलिए आत्माओं से बात करते हैं, काल ग्राम बच्चों से बात कहते हैं, ग्राम कहते हैं समूह, काली माना चावल, माना चावल जैसी जो छिलके से रहित आत्माएं हैं
उनका जो समूह जहाँ इकट्ठा होता है, मैं उन बच्चों से बात करता हूँ। मन जहाँ जहाँ आत्मिक स्थिति वाले बच्चे होंगे वहाँ उनकी यूनिटी बनेगी। यूनिटी सदैव प्योरिटी से बनती है। प्योरिटी होगी तो संगठन बनेगा, प्योरिटी नहीं होगी तो संगठन बिखरता रहेगा। चाहे वो गीता पाठशाला हो, चाहे वो सेंटर हो, और चाहे वो कोई मिनी मधुबन हो या मधुबन हो, जहाँ जहाँ देह अभिमान बढ़ता जाएगा इम्प्योरिटी जरूर बढ़ेगी। इम्प्योरिटी बढ़ेगी तो आत्मिक स्थिति जरूर घटेगी। तो ऐसी स्टेज वालों को शालिग राम नहीं कहा जा सकता। ग्राम माना समूह, शाली माना चावल की तरह निर्वस्त्र आत्मा, देवांग से रहित आत्मा। तो मूल ज्ञान है आत्म की स्थिति में टिकने का। ये तन्मुख का अनुभव तुमको होता है, और कोई बाप के तन्मुख होने का अनुभव वो कर नहीं सकता। कहते हैं भक्तों के लिए भगवान को आना है, परंतु जानते तो नहीं है, क्योंकि न जानने के कारण मुझ पड़े हैं। इतनी सहज बात कोई समझ नहीं सकते हैं। याद तो करते आते हैं। अब तुम जानते हो हम आत्मा शरीर से पार्ट बजाती है और हम परम धाम से आते हैं, वहां परम पिता भी रहते हैं। कहा जिसका नाम परम धाम है, धाम माना घर और परम माना बड़े से बड़ा घर। बड़े से बड़ा घर होगा तो बड़े घर का बाप भी कैसा होगा? बड़े से बड़ा होगा। तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में मनुष्य आत्माओं का पिता तो प्रजापिता आदम या एडम कहा जाता है, वो तो सब मनुष्यों का पिता कहा जाता है। लेकिन उस पिता का भी पिता जो है वो परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होता है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, क्योंकि वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं को छुड़ाने वाला कोई नहीं हो सकता। तो वो आते हैं परम धाम से। परम धाम का मतलब यह है बड़े से बड़ा धाम, जहाँ शांति ही शांति लगी पड़ी है, वहाँ हम आत्माएं भी रहती हैं तो परम पिता परमात्मा भी रहते हैं, और उनको सब याद करते हैं। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो उसको याद न करती, परंतु न आत्मा न परमात्मा को यथार्थ रीति कोई जानते हैं। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या आकर करेगा, ये भी नहीं जानते। और गीता में तो सारा ही रंग लिखा दिया है, नाम ही बदल दिया है। गीता में क्या नाम बदल दिया है? हैं? गीता का भगवान कृष्ण को बनाए दिया है, इसने बदल दिया है। गीता का भगवान कृष्ण किसने बनाए दिया? कृष्ण तो साकार होता है, राम और कृष्ण तो साकार देवताएं हुए, तो कृष्ण साकार का नाम किसने डाल दिया? ये भूल कैसे हो गई? क्या द्वापर युग से ये भूल हुई या संगम युग में इसका फाउंडेशन पड़ा? फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? भक्ति मार्ग में जो भी गलतियां होती हैं, जो भी भक्ति मार्ग के क्रिया कर्म कांड होते हैं, उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। तो जो ये बड़ी भूल हो गई, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, ये भूल कहाँ से शुरू हुई? कैसे? नहीं, हाँ कैसे? क्या लिख दिया?
दुनिया दुनिया वाले देहधारी गुरुओं ने लिख दिया या ब्राह्मणों की दुनिया वाले देहधारी गुरुओं ने लिख दिया? ब्राह्मणों की दुनिया वाले गुरुओं ने तो कहीं भी नहीं किसी का किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण है। वो तो कहते हैं गीता का भगवान शिव है, कहते हैं कहते भी हैं लिखते भी हैं। वो तो कहते भी हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है, और लिखते भी हैं, चित्र भी छपाते हैं कि गीता का भगवान शिव निराकार है, ज्योतिबिंदु है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। फिर समझते नहीं कैसे, वो नहीं समझते क्या चीज नहीं समझते गीता का भगवान कौन है? वो समझाना पड़े ना, कैसे नहीं समझते वो? हाँ, वो कृष्ण का जो साकार रूप है दादा लेखराज ब्रह्मा, वो दादा लेखराज ब्रह्मा को ही कृष्ण का साथ भगवान का साकार रूप मानते हैं। भगवान का साकार रूप अगर उनसे पूछा जाए कि गीता का भगवान साकार में कौन है, तो कहेंगे दादा लेखराज ब्रह्मा, और दादा लेखराज ब्रह्मा को कृष्ण की सोल कहते हैं। तो कृष्ण की सोल कहने के कारण वो कृष्ण की सोल ही तो साकार भगवान हो गया गीता का, तो गलती तो बुद्ध ही कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि कृष्ण की सोल जो है वो शिव के समान नहीं बनती, वो इतना याद में तल्लीन नहीं होती जो शिव समान बन जाए। वो तो राम की सोल है। जब सृष्टि का अंत होता है तो राम की सोल इतनी गहरी याद में टिकती है कि वो शंकर के समान देव और शंकर को मिलाकर के भक्ति मार्ग में एक कर दिया जाए। कभी कहीं सुना कि शिव और ब्रह्मा को मिला के एक कर दिया, शिव और विष्णु को मिलाकर एक कर दिया? क्यों? क्योंकि जो काम प्रैक्टिकल में संभव होता ही नहीं तो उसका गायन कैसे होगा। वास्तव में शंकर ने ऐसी तीखी याद की कि वो तीखी याद में बैठ करके परमात्मा शिव के समान स्टेज को प्राप्त कर लिया, इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। तो वो ही शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान साबित होते हैं, लेकिन गीता में नाम डाल दिया कृष्ण का, तो ये भूल हो जाती है। कोई यथार्थ इसी जानते नहीं है, कैसे भगवान आकर के मिलेगा वो भी जानते हैं। गीता में नाम बदल दिया है, बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना, कृष्ण थोड़े ही कहेंगे कि तुम मुझे जानते हो, उनको तो सारी दुनिया जानती है। ये कृष्ण कोई ज्ञान दे नहीं सकता, तो जरूर समझाना चाहिए भगवान रूप बदलता है। भगवान रूप जरूर बदलता है लेकिन कृष्ण नहीं बनता है। कोई मनुष्य तन में आते हैं लेकिन कृष्ण के तन में नहीं आते। ये तो ब्रह्मा है तो वो ही कृष्ण की आत्मा ना। ये कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा है जो फिर आदि में कृष्ण बनती है। ब्रह्मा है 84वां जन्म और कृष्ण है पहला जन्म। तो बात देखो कितनी गुप्त है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी सी बात में मुझ पढ़ते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो इस बात में भी बड़ी चिकड़म्बाजी है। तुम समझते हो हम कृष्ण के घराने में थे, हमने भी 84 जन्म लिए हैं, अब हम राजभाग ले रहे हैं परमपिता परमात्मा शिव से। कृष्ण को अपनी बुद्धि में नहीं बैठाना है। जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कृष्ण को अपनी बुद्धि में बैठा लिया
तो उनका पद नीचा हो जाता है। बुद्धि में किसको बैठाना है, रचना को या रचयिता को? रचयिता को बुद्धि में बैठाएंगे तो रचयिता बाप का वर्षा मिलेगा। अगर रचना को बुद्धि में बैठाएंगे तो स्टेज नीची हो जाएगी। 27 जुलाई 1965 की वाणी का तीसरा पेज क्या देते हैं भगवान कृष्ण आज? अब ये तो गीता में सिद्ध नहीं होता। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचते हैं और कल्प को लाखों वर्ष दे दिया है। इतनी सहज बात भी मनुष्य को जानते नहीं है। बाप कितना इशारे से समझाते हैं, तुम जानते हो हम सूर्यवंशी घराने के थे। अब शूद्र वंश के ब्राह्मण वंश में आए हैं। पहले हम थे सतयुग में सूर्यवंशी, अब नीचे उतरते उतरते संघ के रंग में आते आते हम शूद्र बन गए। अभी हम फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बने, तो वर्णों का भी मुख्य चित्र रखना पड़ता है। तो देखो वर्षा को भी आधा कर दिया है, चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं। क्यों भूल गए? जो ब्राह्मण चोटी है उनको क्यों निकाल दिया? जो विराट रूप का चित्र बनाते हैं उसमें ब्राह्मण नहीं दिखाते और शिव बाबा को भी नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो है उनको देवता तब कहा जाता है जब वो संपूर्ण बनते हैं, और संपूर्ण बनते हैं तो देवता कहे जाते हैं जिनकी पूजा होती है। शिव बाबा को इसलिए भूल गए हैं कि शिव बाबा गुप्त पार्ट बजाता रहता है। विराट रूप में बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब दिखाई दिए, लेकिन ब्राह्मण वर्ण तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा की औलाद कहाँ गए? कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाप अब अच्छी रीति समझाते हैं, बुद्धि में अच्छी रीति धारणा करनी है। जब बाबा की बुद्धि में है तो तुम्हारी बुद्धि में भी रहना चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ, माना? आप समान बनाता हूँ का क्या मतलब? जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूँ, वैसे जो तुम बच्चे मेरे अजीज बच्चे हो वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज में अगर जाते हो तो मेरे बच्चे हो। तब कहा जाता है कि मैं आप समान बनाता हूँ। जो शक्ति चक्र की नाली मेरे में है वो तेरी बुद्धि में भी है, माना? यहाँ तेरी शब्द क्यों लगाया? तेरी कहा जाता है एक के लिए, माना 100% जो नॉलेज शिव के अंदर है वो 100% नॉलेज कोई एक बच्चे के अंदर आती है। क्योंकि गॉड इज वन कहा जाता है, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कैसे भी है देव देव महादेव, तो बाप के जो पहलौटी के तीन बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन तीन बच्चों में जो बड़ा बच्चा है वो 100% बाप समान नॉलेज को धारण करता है। इसलिए बोला कि सत्य चक्र की जो भी नॉलेज मेरे अंदर है वो तेरी बुद्धि में होती है। लेकिन बुद्धिमान चाहिए। बुद्धिमान कब बनते हैं? बुद्धि का विकास कैसे होता है? कलयुग में अंत में आकर के तो बुद्धि क्षीण हो जाती है, सभी कोई पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो बुद्धि जो पत्थर बुद्धि बन चुकी है वो हीरे समान कैसे बने? वो तरीका बताया कि तुम अपने को आत्मा समझो, इतना जितना आत्म की स्थिति में टिकेंगे। सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्म की स्थिति में टिकने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। जैसे शिव ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म है तो हमारी आत्मा भी अति सूक्ष्म बनेगी। सूक्ष्म आत्मा में
बुद्धि के सभी प्रकार के गुण आ जाते हैं और मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो बोला कि तेरी बुद्धि में भी वही ज्ञान आ जाता है, इसके लिए बुद्धिमान चाहिए, बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन चलता रहे। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो बाबा तो बिल्कुल हमको सहज समझाते हैं, हम भूले हुए क्या हैं? कैसे भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो सतगुरु आकर के दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल अथवा सौदा करने वाले को भी मीडिया कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं मीडिया हूँ, बाप इन द्वारा तुमको अपना बनाए रहा है, इन द्वारा बाप इन द्वारा तुमको अपना बनाए रहा है। कौन बाप? सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु शिव बाप इन द्वारा, इन द्वारा माना रामकृष्ण की आत्माओं के द्वारा तुमको अपना बनाए रहा है। रामकृष्ण की आत्माएं ही हीरो हीरोइन का असली पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जिनके द्वारा मैं तुमको अपना बनाता हूँ। मैं खुद ही तुम्हारी सगाई अपने साथ इन द्वारा कराए रहा हूँ। दलाल बने अपना साथ ले जाता हूँ, साथ में सौदा कराते हैं ना, तो वंडर है। तुम जानते हो मीडियम तो जरूर होना चाहिए, मीडियम द्वारा हमारी सगाई होती है और सगाई शिव बाबा से होती है। तुम सब बच्चे बीच के दलाल हो, दलाल एक है या सब है? जो जो दूसरों को ज्ञान देते हैं तो बीच में मीडिया बन जाते हैं ना, इसलिए तुम बच्चे भी दलाल हो, तो सगाई की युक्ति रखते हो। फिर प्रजापिता का भी नाम देते हैं, वास्तव में वर्षा शिव बाबा से मिलता है, प्रजापिता से कोई वर्षा नहीं मिलता, वो खुद भी वर्षा लेने वाला है। स्वर्ग का रचयिता तो वो ही है। कौन? स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है या प्रजापिता है? शिव बाबा प्रजापिता के अंदर स्वर्ग का रचयिता है, लेकिन प्रजापिता के द्वारा स्वर्ग के गेट नहीं खुलवाता। किसके द्वारा खुलवाता है? माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता है। माताओं के द्वारा क्यों खुलवाता है? प्रजापिता के द्वारा क्यों नहीं खुलवाता? प्रजापिता स्वर्ग देने वाला नहीं है, स्वर्ग रचने वाला नहीं है, माताओं के द्वारा देता है। क्यों देता है माताओं के द्वारा? क्योंकि माताओं में ही वो शक्ति है जो पवित्रता को धारण कर सकती है और पुरुषों के द्वारा पवित्रता को धारण कराने के लिए संपर्शन कर सकती है, इसलिए माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं। तो तुम्हारा धंधा है जीव की आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई करो। सगाई की थी और वर्षा पाया था, अभी फिर से पाते हो। जानते हो हमारा कल्प कल्प संगम युग का यही धंधा है, और कोई आत्माओं को परमात्मा से सगाई नहीं कराते। और कोई मैम किसकी तरफ इशारा किया? जो भी धर्म पिताए हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, वो कोई परमात्मा के साथ संबंध नहीं जुड़वाते हैं, वो अपने में लटकाए लेते हैं। और तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा धंधा क्या है? तुम परमात्मा के साथ दूसरों की सगाई करवाते हो, माना तुम अपने साथ संबंध नहीं जुड़वाते हो, तुम आत्माओं का संबंध परमात्मा बाप के साथ जुड़वाते हो। तो सगाई भी इनसे कराते हो जो विश्व का मालिक बनाते हैं। ये सगाई सबसे बड़ी ऊंची चीज है। आत्मा को ये पक्का निश्चय हुआ है हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है,
ये ऊंच से ऊंच रूहानी सगाई है। हमारा धंधा ही है जीव को आत्माओं को परिचय देना, आत्मा को रूहानी सगाई कराना। रूहानी सगाई कराना कल्प कल्प पाप सिखाते हैं, ये किसी भी बुद्धि में नहीं है। ये हमारी रूहानी सगाई है, जिस्मानी सगाई नहीं है। कल्प कल्प ऐसा होता है, कल्प कल्प मनुष्य देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल मनुष्य ही होते हैं, मतलब मनुष्य किसे कहा जाता है और देवता किसे कहा जाता है? मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य और देवता में अंतर क्या है? मनुष्य मनन चिंतन मंथन करता है, अच्छे बुरे का मनन चिंतन करना पड़ता है, और देवताएं तो अच्छे ही अच्छे होते हैं, उनमें कंट्रास्ट होने की बात है ही नहीं। वो तो सदैव दूसरों को देने की बात सोचते हैं, लेने की कोई से बात नहीं सोचते। तो देवता में और मनुष्य में ये खास अंतर है। देवताएं होते हैं निर्विकारी और मनुष्य होता है विकारी। मनुष्य भूलों का पुतला है और देवताओं से कोई भूल होती नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनकी आत्म की स्थिति पक्की हो जाती है। तो क्यों लिखा हुआ है मनुष्य से देवता? क्योंकि ये आकर के देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम जानते हो सगाई से मनुष्य से देवता बनते हैं। बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हैवन था, कहते हुए भी बुद्धि में नहीं आता है। क्रिश्चियन लोग इस बात को कहते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर भी उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। तुम कहते हो कि ये भ्रष्टाचारी राज्य, और सत्युग में तो भ्रष्टाचार का नाम निशान भी नहीं होता। क्या वहां भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण होता ही नहीं तो भ्रष्टाचार का नाम निशान नहीं हो सकता? वहां जो भी आचरण होता है, संतान की उत्पत्ति होती है, वो श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है। श्रेष्ठ इंद्रियों के आचरण से संतति उत्पत्ति होती है तो भ्रष्टाचार का नाम निशान क्यों होगा? वहां दुख की कोई बात ही नहीं। ये तो मारामारी की दुनिया है, भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, तो पाप आत्माओं की दुनिया है। भारत तो पहले स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, अभी भी देखो कितने मंदिर बनाते रहते। गवर्नमेंट भी मंदिर बनाने में मदद करती है। गवर्नमेंट पैसे तो अपने को रिलीजियस कहलाती है। क्या कहलाते हैं? जो राज्य चल रहा है भारत में, वो अपन को कहलाते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। तुम कोई भी धर्म को मानो, सिर्फ हमको वोट दो, तो वो धर्म को नहीं मानते। माना धर्म ने धर्म की अपेक्षा नहीं है, धर्म की मान्यता नहीं है। न होने के बावजूद भी अगर कोई मंदिर वगैरह बनाता है तो उसको मदद करते। तो ऐसी क्या बात है? इतना रिलीजियस कहलाते हुए भी फिर मदद क्यों करते हैं? जयंतियां त्योहार आदि कितने मनाते रहते हैं, इन सबको मनाने की दरकार क्या है? जबकि तुम्हारा रिलीजन से कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि तुम तो जैसे जानवर हो, सोच विचार जानवर कुछ भी नहीं चलाता। जानवर नहीं बुद्धि चलाता है, मनुष्य फिर भी बुद्धि चलाता है। हाथी शेर का कोई रिलीजन होता है क्या? तो जैसे जानवरों का कोई रिलीजन नहीं होता, ऐसे ही मनुष्यों का आज की दुनिया में कोई रिलीजन नहीं रह गया।
ये तो जैसे जानवर है। लोग कहते भी ऐसे हैं, उल्लू का बच्चा, सुअर का बच्चा। तो देखो रिलीजन चले जाने से कैसे जानवर मिसल बन चुके हैं। कोई कार्य किसी का सिद्धि ही नहीं होता। इतने पंचवर्षीय योजनाएं चली चली आ रही है, जब प्लान शुरू किया था तो सोचा था कि 25 वर्ष में ये पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर देंगे, 5-5 वर्ष की 5 योजनाएं बनाएंगे 25 वर्ष में और भारत को स्वर्ग बनाए देंगे। अभी कितने साल हो गए? 1947 से लेकर के और 2003-04 तक कितने साल हो गए? उनकी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाती और बाप ने एक ही बार में आकर के अपनी पंचवर्षीय योजना पूरी कर दी। बाप की पंचवर्षीय योजना क्या थी? बैगर टू प्रिंस बनाने की। तो बैगर को, जो भारत बैगर था, उस बैगर भारत को प्रिंस बनाने की योजना 5 वर्ष के अंदर बाप आकर पूरी करते हैं। ये तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट होने के कारण इनके कोई कार्य और कोई प्लानिंग सफल नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के सारे कार्य जो हैं वो पवित्रता से सफल होते हैं। प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी है। वैसे भी कहते हैं भक्ति मार्ग में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। क्यों? क्योंकि जहाँ सुंदर मति होती है, सुंदर बुद्धि होती है, वहाँ सब प्रकार की धन संपत्ति अपने आप मुहैया हो जाती है। तो सतयुग में देवताओं की बुद्धि सुंदर थी, इसकी सब प्रकार की प्राप्ति होती थी। अभी बुद्धि भ्रष्ट बन चुकी है, भ्रष्टाचारी बुद्धि हो चुकी है, तो कोई भी प्लानिंग किसी की सफल नहीं होती और ही गिरते चले जाते। सबकी उतरती कला होती जा रही है। तुम जानते हो अभी हमारी है चढ़ती कला, इस आधार पर है। चढ़ती कला का आधार क्या हुआ? चढ़ती कला का आधार है आत्म की स्थिति और उतरती कला का आधार है देवान। भ्रष्ट इंद्रियों का चिंतन देवान में लाता है और श्रेष्ठ इंद्रियों का चिंतन आत्माभिमानी बनाता है। तो अब तुम सारे चक्कर को जान गए। चढ़ती कला सेकंड में हो जाती है और उतरती कला में तुम्हें 84 जन्म लगते हैं। पहले जन्म से दूसरा लिया कला कम हो गई, बाकी अभी तो कोई कला नहीं रही। अब फिर से तुम्हारी चढ़ती कला होती है, तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला हो जाता है। क्या तुम्हारी माने किसकी? जब तुम्हारी कहते हैं तो कौन सी विशेष आत्माओं से बाबा का इशारा है? सन्मुख रहने वाले। हाँ, जो सन्मुख रहने वाले बच्चे हैं, जो बाबा के सन्मुख बैठते हैं, सन्मुख बैठ करके मुरली सुनते हैं, उन बच्चों की तरफ इशारा होता है कि तुम्हारी चढ़ती कला से सारी सृष्टि की, सब धर्म की आत्माओं की चढ़ती कला हो जाती है। जब तुम्हारी उतरती कला होती है तो सब नीचे गिर जाते। अभी भी शूटिंग पीरियड चल रहा है। अभी भी अगर तुम्हारी उतरती कला होती है तो तुम्हारे पीछे पीछे एक एक दुनिया लगी हुई है। जैसे कहते हैं एक एक सितारे में दुनिया है, तो ये आत्मा रूपी चैतन्य सितारे हैं, जिन सितारों के अंदर एक एक दुनिया छिपी हुई पड़ी है। अगर एक की स्थिति गिरती है तो समझो एक दुनिया की स्थिति गिर गई। अभी इतनी जिम्मेवारी तुम बच्चों के ऊपर है, तुम्हारी चढ़ती कला तो सारी दुनिया का भला। हर एक की तुम्हारी अपनी अपनी एक एक दुनिया है। हर एक बच्चा अपनी दुनिया का प्रजापिता है।
बोला तुम सर्विस पर लग जाते हो, तुम जानते हो विश्व के मालिक बनने बाप का मददगार बनना है, बाप आए सबकी चढ़ती कला बनाते, ड्रामा प्लान अनुसार सब ऊपर चले जावे, हैं? सब ऊपर चले जावेगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, चलेगी? सारे शरीर छोड़ के ऊपर चले जाएंगे तो नई दुनिया कैसे चलेगी, हैं? यहाँ तो बोला ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जाने का मतलब क्या हुआ, हैं? ऊंची स्टेज में चले जाएंगे, माने जो देहबान की नीची स्टेज है, जो मिट्टी को याद करने की स्टेज है, वो हमारी सबकी खलास हो जाएगी, तुम सब प्रकार के दुखों से छूट जाओगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान सबको कर देंगे, तो सर्व का भला हुआ ना, तो तुम ही सबसे ऊपर से चले जाते हो, तुम्हारी बुद्धि में सारे झाड़ का राज है, ड्रामा का भी राज है, तो ऐसे ज्ञान देने वाले बाप के साथ कितना मीठा और सच्चा रहना चाहिए, है? लेकिन मुख से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन अंदर से चालाकी रहती है, अंदर से चालाकी होने के कारण फिर बाप भी कहते हैं कि तुम्हारे दो हिसाब किताब हैं, तो हमारे भी दो हिसाब किताब, कितना सच्चा रहना चाहिए बाप के साथ और कितना मीठा रहना चाहिए, डर भी रहना चाहिए उनके साथ, फिर धर्मराज तो है ही इनके साथ, उनके साथ, उनके क्यों कहा कि जिस समय ये मुरली चल रही थी उस समय बाप बाप के रूप में पाठ नहीं बजाए रहा था, वो तो माँ का पाठ था, ब्रह्मा के द्वारा भविष्य के लिए इशारा किया कि जिस तन में पाठ बजाऊंगा वो बाप का पाठ होगा, और तो बाप के पाठ के साथ फिर धर्मराज भी होगा, धर्मराज कौन है, है? बाप कौन है और धर्मराज कौन है, है? बाप है राम बाप प्रजापिता, और धर्मराज ब्रह्मा की सोल, क्योंकि धर्म का राजा वही कहा जा सकता है जो धारणाओं का राजा हो, राम और कृष्ण की सोल इन दोनों आत्माओं के बीच में ज्यादा धारणाएं किसमें रहती हैं, अंत तक है? धारणाओं के आधार पर कौन खड़ा रहता है, सीढ़ी के चित्र में कौन खड़ा हुआ है और कौन पड़ा हुआ है, ब्रह्मा खड़ा हुआ है और राम पड़ा हुआ है कांटों की सैया पर, तो इससे साबित हुआ कि जो धारणाओं में अंत तक खड़ा रहता है वो हुआ धर्म का राजा, धारणाओं का राजा माना धर्मराज, तो बोला धर्मराज भी उनके साथ है, किनके साथ है, बाप के साथ, भक्ति मार्ग में भी धर्मराज है, बुरे कर्मों का दंड देते हैं, तो हिसाब किताब तो सबका है ना, ड्रामा में ये सब नूद है, अभी तुम कन्म को बाप के साथ कितना सच्चा रहना चाहिए, सच्चे रहेंगे तब तो सत्यखंड के मालिक बनेंगे, इसमें सच्चाई जरूर चाहिए, बाप से कोई भी बात छिपाना नहीं चाहिए, अगर कोई भी बात छुपाई तो वर्षे में तराप आ जाएगी, बाप तो साफ बात कह देते हैं, तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, जानते हो माया का बनने के कारण तुम्हारी कलाएं गिरती चली गई, अभी तुम सच्चा बनो, जो सच्चा रहेगा उनको सत्यखंड की राजाई मिलेगी, सच्चा साहब राजी होगा, बाप राजी हो जाता है कि ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, ये बाप के बहुत अच्छे मददगार हैं, कितने मददगार हैं, कहते हैं बच्चे घर घर में हॉस्पिटल कॉलेज खोलते जाओ,
उनका काली जो कौन से हॉस्पिटल है, उनका पाठशाला घर घर में खोलते जाओ। ये हमारी कॉलेज भी है और हमारी हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल कैसे, क्योंकि रूह को सफा मिलती है। रूह जो तामसी बन गई है वो तामसी रूह सात्विक बनती है। ये जिस्मानी पढ़ाई नहीं है, ये रूहानी पढ़ाई है, रूहानी हॉस्पिटल है। रूहानी हॉस्पिटल में रूह को मदद दी जाती है। रूह किसे कहते, मन बुद्धि आत्मा को इस रूह कहा जाता है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा जब सफल होगी तो सब कुछ सफल हो जाता है। लेकिन माया के बनने के कारण तुम्हारी कलाएं गिरती आई, बाप का परिचय देती जाओ, हॉस्पिटल कॉलेज खोलते जाओ तो बेचारों का कल्याण हो जाए। बहुत बच्चे हैं जो अपने घर में क्लास चला रहे, फिर वीके की क्या दरकार है? क्या अगर सभी बच्चे अपने अपने घर में क्लास चलाने लगे और मोहल्ले पड़े सवालियों वालों को इकट्ठा करके ईश्वरीय ज्ञान देने लगे तो वीके की क्या दरकार है? वीके की दरकार है या पीबीके की दरकार है? पीबीके की दरकार है। वो घर घर में रूहानी हॉस्पिटल कभी यूनिवर्सिटी खोले, मुरली से तुम पढ़ाई सकते हो। अपने अपने घर में आते ही क्यों नहीं पढ़ाते? बीके तो तुम हो, तुम ऐसे क्यों समझते हो कि बीके बगैर हम समझा ही नहीं सकते? ऐसे थोड़े बुद्धि में होना चाहिए क्या कि जब तक ब्रह्मा कुमारी बहने हमारे घर में आकर न समझाएं तब तक हम क्लास नहीं चला सकते, क्योंकि बीके तुम भी हो। ऐसे थोड़े ही, ऐसे थोड़े कि बीके जाएं तो प्राण निकल जाएं। ब्रह्मा कुमारी अगर चली जाए तो प्राण निकल जाए? नहीं बाबा, बीके हैं, बीके की जरूरत नहीं है। बोले बोला ना, बीके पिछाड़ी इतना मरना नहीं चाहिए। ऐसे की वाणी में बाबा के द्वारा ही तो बोला जा रहा है। गीता पाठशाला मना प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने घर में जो खोल के बैठते हैं उसी में सारी रूहानी हॉस्पिटल खोल सकते हैं। उसके लिए ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आधार लेने की दरकार नहीं है। सात रोज भक्ति में रहने से पूरा अविनाशी सज्जन बन सकते हैं। क्या हाँ तो ब्रह्मा कुमारी की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारी जो बने हुए डीके वालों को बोलना पड़ेगा? डीके वालों को बोलना पड़ेगा? बाबा तो नहीं कह रहे हैं ऐसा कि डीके के बगैर क्लास नहीं चल सकता। ये कोई जरूरी नहीं कि डीके को बीच में लाए बे। हाँ जी पहले वाले तो झूठी बात सुनाते हैं, तो आप मिक्स करके सुनाइए ना, आप सच्ची बात सुनाइए। ऐसे क्यों कहते हैं कि हम बीके का ज्ञान पहले सुनाएंगे फिर पीबीके का सुनाएंगे? जब ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेना। ये वाणी पूरी वाणी में बाबा क्या बोलते हैं, बाबा ने तो स्पष्ट बता दिया कि बीके की दरकार नहीं है। ऐसे थोड़े कि बीके जाए तो प्राण निकल जाए। बीके पिछाड़ी इतना नहीं मरना चाहिए। सात रोज भक्ति में रहने से पूरा अविनाशी सर्जन बन सकते हैं। क्या सिर्फ सात रोज की भक्ति करें तो पूरा नॉलेज बुद्धि में आ जाती है, बिल्कुल ही सहज है। अच्छा
कोई सेंटर से दी के चली गई, तो क्या इतने दिन तुमने जो सुना है वो दूसरे कान से निकल जाता है? जो भी ज्ञान बाबा का सुना वो नष्ट थोड़ा ही हो जाता है। तुम भी सेंटर नहीं चला सकते। बाबा समझते हैं दल बुद्धि है, अपनी आबरू गवाते। ऐसे बहुत हैं जो बीके से पीछे हो जाते हैं, आपस में क्लास चलाए बहुत पीछे हो जाते हैं। छोटे छोटे गांव वाले भी कहते हैं हमको अच्छी अच्छी बीके चाहिए। अरे इतनी बीके आवेगी कहाँ से? एक सेंटर पर एक टीचर से 12 मास में 10-12 टीचर तैयार हो जानी चाहिए। तो क्यों नहीं तैयार होती है? क्या बुद्धि में बैठता नहीं है? जो अपने घर में सेंटर नहीं खोल सकते? बहुत पीके निकलने चाहिए। देखने में आता है बड़े सयाने बच्चे हैं, अपने अपने घर में सेंटर खोल सकते हैं। बोर्ड लगा देना चाहिए, परिचय देना, समझाना है बरोबर। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता था, अभी फिर मिल रहा है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। प्रजापिता और शिव के परिचय का पता पड़ जाता है। मुख्य बात क्या है समझने और समझाने की? इस मनुष्य शक्ति का पिता कौन है, और मनुष्य शक्ति के पिता के द्वारा आत्माओं का पिता कैसे इस शक्ति को परिवर्तित करता है, वही समझाना है। बी के वो तो ठीक है, लेकिन प्रजापिता होने से जैसे मोहर लग जाती है। क्या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने से मोहर नहीं लगती? मोहर कब लगती है? स्वर्ग में जाने की मोहर तब लगती है जब प्रजापिता शब्द लग जाए। और वो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं? उन्होंने प्रजापिता को उड़ाई दिया। और बाबा क्या कहते हैं? तुम प्रजापिता शब्द को जरूर लगाओ। प्रजापिता शब्द जब तक नहीं लगाएंगे तब तक बाप का वर्षा मिल नहीं सके। तो प्रजापिता होने से जैसे मोहर लग जाती है, सब जानते हैं ये पिता है, बरोबर है, ये कोई रचना रचते। नाम भी त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, फिर विष्णु से देवताएं भी चाहिए, बरोबर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं और विष्णु से देवता बनते हैं। जब तक विष्णु नहीं होगा तब तक देवता बन न सके। बाकी शंकर का कोई काम नहीं होता है क्या? शंकर का कोई काम होता है क्या? चित्रों में कोई शंकर को काम करते हुए दिखाते हैं क्या? क्या दिखाते हैं? याद में बैठा है। याद में बैठना कोई काम होता है क्या? वो कोई काम तो नहीं होता है। शंकर का कोई काम नहीं, वो न ब्राह्मण है और न देवता है। क्या शंकर ब्राह्मण भी नहीं है और देवता भी नहीं है? बाकी सब क्या है? आँख खोली और विनाश कर दिया, ये है। तो बोला इसलिए उसको निमित्त रखा है इस बात के लिए कि उसकी आँख खोले और शक्ति का पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए। ओम माना, इसलिए ब्रह्मा कुमारी शंकर को उड़ाई देती है। तो उड़ाई देने से काम चलेगा क्या? नहीं, जब तक पुरानी शक्ति का विनाश नहीं हुआ है तब तक नई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। तो ये भी जरूरी है क्या? जो काम दूसरों ने नहीं किया, कोई भी धर्म पिताओं ने पुरानी परंपराओं का नाश नहीं किया, पुरानी परंपरा का, पुरानी जातियों का, पुराने रख रखाव का विनाश नहीं किया, तो उनके नए धर्म की स्थापना करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि पुराने में नए को मिक्स कर दिया तो प्राप्ति तो कुछ होने वाली नहीं। तो बाबा आकर के बताते हैं, भले शंकर कुछ नहीं करता,
लेकिन सबसे बड़ा काम करता है क्या, कि पुरानी शक्ति का विनाश होने से नई शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती।